ये हमारी तहरी है, बहुत टेस्टी है, लाजवाब है। यकीनन इसी स्टाइल में अगर आप बनाएंगे तो आपको भी बड़ा ही लाजवाब ऐसी रिजल्ट आएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अल्लाह करे कि सब खैरियत से हो, इस ज़माने में आप लोग रहें और हम भी आपके साथ। आप हमारी फैमिली है यूट्यूब के, इसी वजह से मैं सिक हूँ, बीमार हो गई हूँ, फिर भी मैं अभी किचन में खड़ी आपके लिए बना रही हूँ। तो आज बनाने जा रही हूँ शॉर्टकट में तहरी। तहरी हमारी बहुत अच्छी डिश है और बच्चों की पसंदीदा है, बड़ों की, बुज़ुर्गों की, वजह की अक्सा मकबूलियत है इसको। तो इसमें मैंने ये चावल ले लिया था, हाफ और पहले ही बनस्पति चावल मैंने नीम गर्म पानी में भिगो दिया था, जो अब पानी इसका निकाल दिया मैंने। आलू है, आलू की हमेशा मैंने आपको कटिंग बताई है कि इसके अलग अलग जायक़े होते हैं। ये तहरी में इस तरह का आलू बनता है, होता है, इसका जायक़ा बहुत अच्छा होता है, मुनफरिद। मसाला हमने ये ले लिया, इसमें हल्दी है, मिर्च है, ज़ीरा पिसा हुआ है, ये गरम मसाला है साबुत, ये सॉल्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट है जो हम इसमें डाल रहे हैं, ये ताकि इसमें लेस पैदा हो जाए। अच्छा, ये प्याज है बघार की, प्याज बघार की ये है। जब हम दम पे रखेंगे तहरी, उसमें ये मसाला डालेंगे, पिसा गरम मसाला है, हरी धनिया, हरी मिर्च है, ये तली हुई प्याज है, ये टोमेटोज हैं। तो हम स्टार्ट ले लेते हैं। ये मैंने हमने डाल दिया, अब इसमें ये हमने टमाटर डाल दिया, ये इसका मसाला है। जल्दी से हमने इसको ऑयल को हॉट किया हुआ है, इसी में अनियन जो मैंने फ्राई करके निकाल लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ी सी कच्ची अनियन है और बाकी ये हमने फ्राई कर लिया इसको। अनियन हमारी जो है बिल्कुल रेड हो गई है, ब्राउन जिसे कहते हैं, इस तरह से हो गई। और ये सारे मसाले मैंने आपको बता दिया, इसलिए इस तरह से किया जाता है कि इसमें लेस पैदा होता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। दोबाला इस तरह से हमारा तहरी का मसाला है, बच्चों में बड़ों में यकसा मकबूल है ये, और सभी इसको खाते हैं। बशर्त ये है कि आप इसमें जो स्पाइस है उस पर आप कंट्रोल रखें, क्योंकि सब तो ना बच्चे ना बूढ़े ज़्यादा स्पाइस तो नहीं खाते। तो इसमें मैंने ये किया है, रेड मिर्च तो डाली है, इसमें ग्रीन भी डलती है, वो मैं नहीं डालूँगी बच्चों की वजह से, अगर वो आप डालें तो बहुत टेस्टी होगी। और वो मिर्चें कब डाली जाती हैं वो मैं बता दूँगी, लेकिन मैं डाल नहीं रही, ऑप्शन है वो। पोटैटो का टाइम आ गया है, ये आलू हमारी इसी तरह से रिवर्स काटिएगा जब भी आप बनाएं, ट्राई कीजिएगा। हमेशा मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज़ गौर कीजिए इस बात पे कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि डिश मैं बड़ी नायाब बना रही हूँ, मैं बच्चियों के लिए बना रही हूँ, बेटियों के लिए बना रही हूँ, ताकि सबको आ जाए। प्लीज़ ये खारे कैर है और हमेशा आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, शेयर आप करेंगे दूसरों तक पहुँच जाएगा, लाइक आप करेंगे मेरी मेहनत वसूल होगी, और सब्सक्राइब से ये होगा कि आपको हमारी वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इसी तरह से आपको वीडियो मिलती रहेगी इंशाल्लाह। गाइस ये हाफ कुक हो गए हैं हमारे आलू, ये हाफ कुक है और आलू का ये सालन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राइस हमने डाल दिया, बासमती राइस।
तहरी बहुत टेस्टी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। बस ये गर्म पानी है ताकि ज़्यादा देर ठंडे पानी में ना रहे ये मेरा चावल और फौरन ही बॉयल आ जाए। इसमें जब पानी कम हो जाएगा तो मैं इसको दम पे रख दूँगी। बस ये दम पे आ गया है, की सूरत हाल ये बन गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मसाला हमारा ज़ाफ़रानी होता है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा होता है। अभी जब तक इसमें स्टीम आ जाएगी तो उसके बाद समझ लिए खाने के लिए कुक हो चुका होगा और एनी टाइम खा सकते हैं, इसको डिश आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं डिश आउट इस वक्त नहीं कर रही हूँ, टाइम की बड़ी कमी है, गेस्ट ऑलरेडी आने वाले हैं और बस पहुँचने वाले हैं। थोड़ा मैं बिस्मिल्लाह ये हमारी तहरी है, बहुत टेस्टी है, लाजवाब है। यकीनन इसी स्टाइल में अगर आप बनाएंगे तो आपको भी बड़ा ही लाजवाब ऐसी रिज़ल्ट आएगा। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह निगहबान है हम सबका।